वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हाँ, सो इन दिस प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मीन्स द चैप्टर नंबर 2 विच इज स्टोरेज डिवाइसेस, वी लर्न अबाउट व्हाट प्राइमरी मेमोरी. ओके, नाउ दिस इज द पार्ट 2 एंड इन दिस पार्ट वी लर्न अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द सेकेंडरी मेमोरी? सो सेकेंडरी मेमोरी मीन्स द्वितीयक मेमोरी, या तो ऐसी मेमोरी जो कि कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से लगाई हुई जाती है और उसका उपयोग डेटा स्टोर करने में किया जाता है. प्राइमरी मेमोरी को मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी मेमोरी सिस्टम में इनबिल्ट होती है, जो कि रैम और रोम नाम से हम लोग जानते थे. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी. बट द सेकेंडरी मेमोरी, ये जो मेमोरी होती है ये हम लोग बाहर से भी कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं और उसको हम लोग मतलब पॉकेट में रख कर लेके जा सकते हैं और उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, जब तक कि हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं. तो आइए चलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द सेकेंडरी मेमोरी एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? सो द फर्स्ट वन इज़ दिस मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर. ओके, जो प्राइमरी मेमोरी थी वो परमानेंट नहीं थी, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है यह परमानेंट होती है. ठीक है, ओके, मतलब अगर कंप्यूटर सिस्टम बंद भी है और चालू भी है, हर स्थिति में यह परमानेंट रहेगी या स्थायी रहेगी. ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज स्टोर प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन. मीन्स जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें हम किसी भी टाइप के प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर रख सकते हैं. इसका सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग इसलिए होता है, किसी भी तरह के प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, चाहे वो टेक्स्ट में हो या वो ऑडियो हो या वीडियो हो, ठीक है, या तो इमेजेस हो, उन सारे इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो नंबर थर्ड इज इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. सेकेंडरी मेमोरी में हम डेटा लार्ज अमाउंट में स्टोर रख सकते हैं, जो कि प्राइमरी मेमोरी में संभव नहीं था. ठीक है, और लार्ज अमाउंट का ये मतलब है कि एक कुछ MB से लेकर एक TB मीन्स होता है टेराबाइट, जो कि बहुत बड़ी बहुत बड़ा डेटा का अमाउंट होता है. मीन्स लगभग 1000 GB के लगभग इसका अमाउंट होता है. ठीक है, तो कुछ MB से लेकर कई TB तक भी हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं. किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में. ओके, द फोर्थ वन इज़ इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन टिल वी इरेज इट. अच्छा, इस सेकेंडरी मेमोरीज में तब तक डेटा उपस्थित रहता है जब तक कि हम उसको इरेज या डिलीट नहीं करते हैं, और इसको हम पॉकेट में भी लेके रख के जा सकते हैं. कहीं पर भी इसका सेकेंडरी मेमोरी को अटैच करके हम उसके डेटा और इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम्स का यूज़ कभी भी कर सकते हैं. ओके, तो एग्जांपल्स देख लीजिए सेकेंडरी मेमोरी के. सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर हम अपने डेटा को सेव रख सकते हैं, उसके कुछ कुछ उदाहरण एग्जांपल्स है जिसमें कईयों का उपयोग आपने किया होगा. जैसे देख लीजिए HD, CD, DVD, Blu-ray disc एंड PD. ठीक है, अच्छा देखिए, HD मतलब हार्ड डिस्क होता है, CD मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क. ठीक है, उसी तरह से DVD होता है डिजिटल वीडियो डिस्क. ठीक है, एंड ब्लूरे, ओके, और एक जो है PD, बहुत ही कॉमन चीज़ है. PD मतलब, P का मतलब होता है पेन और D का मीन्स होता है ड्राइव. ओके, तो इन सारे टाइप्स की सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं जिसमें कि हम डेटा को सेफ रख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर देते हैं. सो अब हम इनके बारे में हम डिटेल से भी देखेंगे. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हार्ड डिस्क? तो चलिए सबसे पहले हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग देखते हैं. ठीक है, दिस इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर विच इज़
फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ओके, देखिए ये जो हार्ड डिस्क होता है ये बॉक्स की साइज का एक स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, थोड़ा इसमें वेट भी होता है। और ये कहाँ पर होता है, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर में जो मदरबोर्ड होता है। मैंने आपको बताया था सीपीयू का मतलब होता है क्या, सी मतलब होता है सेंट्रल, पी मतलब प्रोसेसिंग एंड यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पर जो हम प्राइमरी में इंटर करते हैं अपने डेटा को और वहाँ पर उसका प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जिसे कि कंप्यूटर का मेमोरी भी बोलते हैं। तो उस मदरबोर्ड में ही हार्ड डिस्क इनबिल्ट होता है या फिक्स होता है या लगा हुआ होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर में सेव करते हैं, अपने लैपटॉप में सेव करते हैं, वो कहाँ पर स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क मीन्स HD। ओके, नंबर सेकेंड, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई, दैट वेरियस फ्रॉम 200 GB टू 3 TB, ठीक है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, इसमें हम कितना तक डेटा स्टोर रख सकते हैं, देखिए 200 GB से लेकर कितना तक, 3 TB तक, ठीक। मीन्स GB मीन्स गीगाबाइट एंड TB मीन्स टेराबाइट, ठीक है। 200 GB से लेकर मिनिमम इतना और मैक्सिमम 3 TB तक हम लोग हार्ड डिस्क में अपने इंफॉर्मेशन या डेटा को सेव रख सकते हैं। ओके, नंबर सेकेंड, नेक्स्ट देखिए इसी में, सॉरी, हार्ड डिस्क में इट इज़ नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस, मीन्स ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह मदरबोर्ड में फिक्स रहता है, इसको आप उठाकर नहीं ले जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हार्ड डिस्क। नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ते हैं CD। CD मीन्स, CD का फुल फॉर्म होता है, C मीन्स होता है कॉम्पैक्ट एंड D मीन्स होता है डिस्क। सो कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क अभी कुछ 5 से 10 सालों पहले बहुत प्रचलन में था, लेकिन अभी उसका प्रचलन बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क कैसा होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क का साइज होता, शेप जो होता है वो होता है बिल्कुल गोल होता है, पतला होता है, लाइट वेट होता है। ओके, और इसमें भी हम हार्ड डिस्क के जैसे स्टोर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बहुत कई लोगों ने इसमें गाने भी सुने होंगे और अपने डेटा को भी सेव रखा होगा, ठीक है। तो इसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क मीन्स CD के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ मेटल, ये जो डिस्क होती है गोल, ये प्लास्टिक की होती है, ठीक है, प्लास्टिक की होती है और इसके ऊपर में मेटल की परत चढ़ी होती है। इसी मेटल के परत में इंफॉर्मेशन हमारी CD में सेव रहती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट डेटा स्टोर इन इट, ठीक है। इस CD में जो भी डेटा स्टोर रहता है, जब हम इसको CPU में इंसर्ट करते हैं तो कंप्यूटर इस मेटल में जो भी डेटा रहता है, स्टोर रहता है, उसको कंप्यूटर रीड एंड राइट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, द थर्ड इज, दिस इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विद अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 700 MB। देखिए, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 200 GB से लेकर 3 TB तक, लेकिन CD की जो क्षमता है, स्टोरेज पावर जो इसकी है, वो कितनी है, मात्र 700 MB की, ठीक है। ये GB से छोटा अमाउंट है, MB का मतलब होता है मेगाबाइट, ठीक है, मतलब इसका जो, इसकी जो क्षमता है ये हार्ड डिस्क के मुकाबले में कम होती है। नेक्स्ट देखिए, इट कैन स्टोर वेराइटीज़ ऑफ डेटा, ओके, लाइक पिक्चर्स, साउंड, मूवीज़, टेक्स्ट एट्सेट्रा। इसमें हम लोग क्या क्या, कौन कौन सा डेटा स्टोर रख सकते हैं, सेम इसी के जैसे, मतलब पिक्चर भी स्टोर कर सकते हैं, मूवी भी स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो भी और सॉन्ग्स को भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें टेक्स्ट वाले इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हैं, किसमें, कॉम्पैक्ट डिस्क या CD में। ओके, नेक्स्ट देखिए, We can move the CD disk from one place to another easily. Okay? देखिए, हार्ड डिस्क फिक्स रहता है मदरबोर्ड में, इसीलिए हम इसको
अगर हार्ड डिस्क को अलग से हम नहीं ले जा सकते, देखिए सीपीयू को तो उठा के ले जा सकते हैं लेकिन हार्ड डिस्क को आप उठा के नहीं ले जा सकते, उसके लिए आपको पूरा सीपीयू को उठा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मदरबोर्ड में फिक्स रहता है। लेकिन जो सीडी होता है इसका एक पंजे के बराबर साइज़ होता है और ये बहुत ही हल्का होता है, आप एक बार में 50-100 के लगभग या और ज़्यादा भी हार्ड डिस्क सॉरी कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी को एक जगह से दूसरे जगह पर उठाकर ले जा सकते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे अब इसका प्रचलन कम हो गया है, क्यों, क्योंकि अब लोगों को ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत है और स्टोरेज डिवाइसेस, ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ गई है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर रख सकें। तो हार्ड डिस्क ऐसा काम करता है और सीडी इतना काम, मतलब इतने डेटा को स्टोर नहीं रख पाता है, इसलिए इसका प्रचलन धीरे धीरे कम या बोलिए ख़त्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम बढ़ते हैं, थर्ड, डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी, जिसको डीवीडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आपने डीवीडी को देखा होगा, ये बिल्कुल सेम सीडी के जैसे ही होता है, ये भी एक गोल डिस्क होती है, ठीक है। इसमें भी ये प्लास्टिक डिस्क है और इसके ऊपर में मेटल की परत चढ़ी हुई होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ डीवीडी। ओके, नंबर वन इज़ इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क। डीवीडी को हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं, सुपर डेंसिटी डिस्क, ठीक है, एसडीडी के नाम से भी जानते। इट ऑफर्स हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन सीडी, ठीक है, मींस डीवीडी में सीडी की तुलना में ज़्यादा कैपेसिटी होती है डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। मतलब इससे एडवांस क्या हो गया, सीडी से एडवांस डीवीडी हो गई, ठीक है, इसमें स्टोर ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम इसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें 4.7 GB से लेकर 17.8 GB तक डेटा या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। डेटा या इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सा डेटा इन्फॉर्मेशन आता है, वही सेम चीज़ें, मीन्स टेक्स्ट हो गया, मूवीज़ हो गई, सॉन्ग्स हो गए, है ना, इट्स ऑडियो हो गया, एट्सेट्रा टाइप्स के हम लोग इन्फॉर्मेशन डीवीडी में इकट्ठा कर सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए सीडी और डीवीडी में एक फ़र्क क्या है, सीडी में अगर कोई, मान लीजिए सीडी की डिस्क है, अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीडी के उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट करके इसमें हम नई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक ही सीडी को हम लोग एक से दो बार या तीन बार में उपयोग ला सकते हैं, ठीक है, पुराने डेटा को हमने डिलीट कर दिया जो कि हमारे काम का नहीं है, उसमें न्यू और फ्रेश डेटा हमने डाल दिया और उसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं। लेकिन डीवीडी में क्या है, डीवीडी में ये चीज़, मतलब ये सीडी वाली सुविधा नहीं है, मतलब ये रीराइटेबल मीडिया की सुविधा नहीं देता है। अगर डीवीडी में एक बार अगर कोई भी डेटा डाल दिया गया या स्टोर कर दिया गया, तो इसके डेटा को अगर हमने डिलीट कर दिया तो यह डीवीडी, ये जो डिस्क है, ये किसी भी काम की नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब हम उसमें नया इन्फॉर्मेशन या डेटा डाल नहीं सकते हैं और उसका कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसकी क्षमता, स्टोरेज पावर सीडी से ज़्यादा होती है। ओके, तो कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कुछ कमियाँ भी होती हैं। ओके, नंबर फोर्थ इज़ ब्लू रे डिस्क। ओके, अच्छा, ब्लू रे डिस्क देखिए ये नई जनरेशन की चीज़ है, मतलब सीवीडी डीवीडी और हार्ड डिस्क की तुलना में। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द ब्लू रे डिस्क। सो नंबर वन इज दिस इज़ अ न्यूली इन्वेंटेड ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस। इसमें भी देखिए ये भी एक गोल डिस्क के जैसे ही होती है, ठीक है, इस यह भी ब्लू रे भी गोल डिस्क के जैसे होती है और इन दोनों से एडवांस होता है ये, ठीक है, इसमें भी मेटल की परत होती है। ओके, ब्लू रे में, और ये न्यूली इन्वेंटेड है, इसका अभी अभी इन्वेंशन किया गया है, ठीक है, ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है ये, ठीक है, इसमें ऑप्टिकल्स का यूज़ किया गया है। इट स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी फ्रॉम 25 GB टू 200 GB। अब देखिए डीवीडी की स्टोरेज पावर कितनी थी, 4.7 GB टू 17.8 GB थी, लेकिन ब्लू रे की कितनी है ये आपको याद करना ज़रूरी है, 25 GB टू
200 GB। ब्लू रे डिस्क, एक डिस्क में हम कितना डेटा स्टोर रख सकते हैं, 25 GB से लेकर 200 GB तक डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, नो नाउ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी 25 GB to 200 GB। नंबर थर्ड इज इट इज मैन्युअली यूज टू स्टोर हाई क्वांटिटी साउंड, हाई क्वालिटी साउंड एंड मूवी डेटा। ठीक है, मीन्स CD और DVD में जिस क्वालिटी या पिक्चर को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं वो काम हम लोग किसमें कर सकते हैं, ब्लू रे डिस्क में कर सकते हैं। मीन्स ब्लू रे डिस्क में जो भी मूवीज़ और पिक्चर्स जो डाली जाती हैं वो उसकी जो क्वालिटी होती है वो CD और DVD की तुलना में बहुत अच्छी और स्पष्ट होती है। ठीक है, CD में अगर स्टोर करके आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको साफ़ सुथरी नहीं दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ब्लूरे में अगर आप देखते हैं तो उसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल स्पष्ट होती है और पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है। इसमें ब्लूरे तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लैश ड्राइव। ओके, फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ओके, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव। ठीक है, ये देखिए बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप सभी ने देखा होगा जिसको, फ्लैश ड्राइव को हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं, पेन ड्राइव आपने सुना होगा, इसको शॉर्ट में ज़्यादा सुना होगा PD, है ना। इसमें भी हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही इजीली इसको ट्रांसपोर्टेशन इसको कर सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं। आप अपने पॉकेट में भी PD को रखकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं और बहुत ही ये सेफ होता है। ठीक है, इसमें जो डेटा रखा हुआ होता है ये बहुत ही सेफ होता है। ओके, और क्योंकि इसको होल्ड करना बहुत ही आसान है, बहुत ही लाइट वेट होता है और इसमें बहुत सारे डेटा हम स्टोर रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसलिए वर्तमान समय में करंटली PD या फ्लैश ड्राइव बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नंबर सेकंड इज इट्स स्टोर्स डेटा परमानेंटली एंड इरेज इट व्हेन नीडेड। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे SSD हार्ड डिस्क में आपने देखा था कि लार्ज अमाउंट में हम PD में डेटा रख सकते हैं और तब तक वो डेटा उसमें सेफ रहेगा जब तक कि हम उस डेटा को डिलीट नहीं करेंगे, मतलब इसमें लॉन्ग टाइम तक हम डेटा को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नंबर थर्ड इज़ इट इज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। देखिए सेम CD की तरह ही है ये, मीन्स ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल का मीन्स क्या होता है, उसको आप जेब में या अपने पॉकेट में अपने साथ में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, नंबर फोर्थ इज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी कैन वेरी फ्रॉम 2 GB to 256 GB। देखिए अब इसमें इसका जो इस स्टोरेज डिवाइस का जो कैपेसिटी है स्टोर करने, डेटा स्टोर करने का, वो कितना होता है, 2 GB to 256 GB, मीन्स गीगाबाइट तक हम इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऑडियो, वीडियो, मूवी, टेक्स्ट, इमेजेस। ठीक है, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को इसमें हम होल्ड करके और सेव करके रख सकते हैं और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 GB to 256 GB। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द मेमोरी यूनिट्स। ओके, मेमोरी यूनिट्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, MU। ओके, सो डेटा इज द कंप्यूटर्स मेमोरी इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द टू डिजिट्स 0 and 1। दिस टू डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बाइट्स। ओके, देखिए 0 and 1 ये जो दो डिजिट होते हैं केवल इन्हीं डिजिट को कंप्यूटर पहचानता है, समझता है, रीड एंड राइट कर सकता है। ठीक है, हम कुछ भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पुट करते हैं तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज में ही, मींस 0 and 1 कोडिंग में ही या इस लैंग्वेज में ही उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है। ठीक है, और इन टू डिजिट्स को हम किस नाम से जानते हैं, बाइनरी डिजिट्स के नाम से जानते हैं। ओके,
सो 0 एंड 1 को हम लोग कौन से डिजिट नाम से जानते हैं, बाइनरी नाम से जानते हैं 0 और 1 को. सो अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर मेमोरी. अ सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स आर यूज्ड. दिस सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट. ओके, मींस देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बिट्स हम किसको बोलते हैं, 0 और 1 को कंप्यूटर लैंग्वेज में. ओके, तो 1 बाइट मींस, 1 बाइट मींस, ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. ओके, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. जैसे कौन कौन से 8 बिट्स होते हैं या डिजिट होते हैं, 1 1 0 0 0 1 1 एंड 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. तो ये जो 8 डिजिट्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, 8 बाइट्स या बिट्स बोलते हैं, ठीक है. टू रिप्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन मेमोरी हायर डेटा स्टोरेज यूनिट्स आर यूज्ड लाइक. ओके, सो मेमोरी यूनिट्स आर एज फॉलोज, ठीक है. जो मेमोरी की यूनिट्स होती हैं वो देखिए कितने टाइप्स की होती हैं, शॉर्ट में इसको भी देख लीजिए. मेमोरी की यूनिट्स कितने टाइप्स की होती हैं, जो कि हमने पहले ही देख लिया था. नंबर 1 इज 1 KB. सो KB स्टैंड्स फॉर, K मीन्स किलो एंड B मीन्स बाइट. ओके, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. ओके, 1 KB मीन्स 1 KB, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. नंबर 2 इज